कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। विश्वविद्यालय के 3D मॉडल में विश्वविद्यालय की रूपरेखा को दिखाया गया है। इसमें प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, लाइब्रेरी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास, VC लॉज, अधिकारियों के आवास, गार्ड रूम सहित तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये पूरा निर्माण कार्य लगभग 24,917.94 वर्ग मीटर में होगा। विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बैचलर इन वोकेशनल कोर्स, पशु एवं डेयरी तकनीकी प्रशिक्षण कोर्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, ओरल लैंग्वेजेस जैसे कोर्स भी शुरू होंगे। स्कूल ऑफ एडवांस लर्निंग में डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डिसीजन साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोर्स पढ़ाए जाएंगे। विश्वविद्यालय में योगा की पढ़ाई भी होगी। इसके लिए स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस एंड योगा शुरू किया जाएगा, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, आर्ट एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंस कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय के निर्माण से आसपास के ग्रामीणों को काफी बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त होगा, जिससे काफी गरीब परिवारों का जीवन यापन बेहतर होगा तथा गरीब परिवार के छात्र एवं छात्राओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इस विश्वविद्यालय के निर्माण से आसपास के ग्राम भी बहुत तेजी से विकसित होंगे। विश्वविद्यालय जहाँ एक ओर औद्योगिक तकनीकी व विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देगा, वहीं दूसरी ओर योगा तथा पुरातन संस्कृति के विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। पूरा अलीगढ़ जनपद माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इस महान कार्य के लिए उनको नमन करता है। लेजर शो के उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में 23 करोड़ जनसंख्या के साथ सभी प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है तथा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ चतुर्थ स्थान पर है। 200 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ यूपी के पास सबसे अधिक उपलब्ध श्रम बल है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी UPDIC एक आकांक्षात्मक परियोजना है, जो एक रूट की तरह होगा, जिसमें कई शहर शामिल होंगे। अलीगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में भी डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जो भारतीय एयरोस्पेस व रक्षा क्षेत्र की विदेशी निर्भरता को कम करने का इरादा रखती है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के अंतर्गत अलीगढ़ के अंडला गांव में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला 14 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई, जिसका निर्माण वर्ष 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक अलीगढ़ नोड में फैक्ट्रियां स्थापित कर रक्षा उत्पादन शुरू करना है। यहां सेना के काम में आने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ड्रोन, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, तोप, गोले, मिसाइल, विभिन्न तरह की बंदूकें आदि सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्रीज विकसित की जा रही है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर व MSME कंपनियां हिस्सा लेंगी। डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण से अंतरराष्ट्रीय स्तर के रक्षा उत्पाद व हथियारों के उत्पादन के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा रक्षा उद्योग ग्लोबल
supply chain से जुड़ सकेंगे। ये कॉरिडोर अलीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के विकास की धुरी साबित होगा तथा रक्षा उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में एक उभरती ताकत के रूप में स्थापित होगा। कासिमपुर पावर जनरेशन सेंटर अलीगढ़ जिले में कस्बा हरदुआगंज से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1942 के दशक में हुई थी। पावर हाउस में 1 से लेकर 9 तक यूनिटें थी। इससे पश्चिमी यूपी में बिजली उत्पादन में पावर हाउस का बहुत बड़ा सहयोग था। 1 से 6 यूनिट बंद थी, जो प्रदूषण की समस्या और कोयले की अत्यधिक खपत के चलते बंद कर दी है। जिले में इस दिशा में एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कदमों द्वारा 10 नंबर यानी नई यूनिट जो कि 660 मेगावाट की है, उसकी लागत 600 करोड़ रुपए होगी, उसका उद्घाटन शीघ्र ही किया जाएगा, जिससे अलीगढ़ में उपलब्धियों का एक नया अध्याय जुड़ जाने के साथ कासिमपुर पावर हाउस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1270 मेगावाट बिजली उत्पादित करने वाली सबसे बड़ी इकाई बन जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का बिजली की आपूर्ति में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी बजट में 10 मंजिला इमारतों के 2 टावर बनेंगे, जिसमें कुल 80 फ्लैट होंगे जो अधिकारियों के लिए होंगे, जिसमें स्कूल कॉलेज और अस्पताल का सौंदर्यीकरण करके उन्हें आधुनिक रूप दिया जाएगा। पूरी कॉलोनी को नए सिरे से विकसित कर एक मॉडल के रूप में स्थापित किए जाने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। ₹2,54,26,932 की लागत
जनपद अलीगढ़ एक औद्योगिक परिदृश्य। अलीगढ़ जनपद ताला एवं हार्डवेयर निर्माण के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखता है। जनपद में ताला एवं हार्डवेयर निर्माण के क्षेत्र में लगभग 8,000 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 1,50,000 श्रमिक कार्यरत हैं। कार्यरत इकाइयों में लगभग 7 निर्यातक इकाइयां हैं, जिनके द्वारा लगभग 1,500 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। US, श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं जर्मनी में निर्यात किया जाता है। वर्तमान में अलीगढ़ में 7 औद्योगिक आस्थान एवं औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं। उद्योग विभाग द्वारा जर्मनी में 47 हेक्टेयर का एक नया औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत लॉक्स एवं हार्डवेयर को जनपद का पूर्वी यूपी उत्पाद घोषित किया गया। अलीगढ़ जनपद के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 162 इकाइयों को 6,201 लाख का ऋण वितरित किया गया तथा इन इकाइयों को प्रदेश सरकार की ओर से 998.49 लाख रुपए का अनुदान यानी मार्जिन फंड प्रदान की गई, जिससे जनपद में 3,245 नए रोजगार सृजित हुए। पूरी ओपी कौशल विकास एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत कारीगरों को उन्नत टूलकिट्स उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 4 वर्षों में 995 लॉक्स एंड हार्डवेयर एवं मेटल आर्ट्स के परंपरागत कारीगरों की कौशल वृद्धि के लिए प्रशिक्षण के उपरांत श्रमिकों को टूलकिट प्रदान की गई। विगत 5 वर्षों में अलीगढ़ में सड़क, रेल, सेतु, पावर स्टेशन, विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर विकास आदि में लगभग 3,000 करोड़ का निवेश हुआ है, जिसके लिए संपूर्ण अलीगढ़ जनमानस माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अलीगढ़ का इतिहास, उसका वर्तमान, अलीगढ़